हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं क्रिकेट खिड़ाइए। अरे क्या है यार पंजाबी है तो हमको थोड़ा समझ में कम आती है पंजाबी, और प्रोनाउंस करना भी थोड़ा मुश्किल। आतिफ असलम, फारिश शफी, तलाल कुरेशी, कोक स्टूडियो का सॉन्ग है भाई। तो ये अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, शायद उस पर ही कुछ बनाया होगा बेस्ड, है ना? कोक स्टूडियो का नया सीजन शुरू हो गया क्या? पता नहीं है, कोक स्टूडियो साल में एक दो सॉन्ग तो ले आते, सीजन आए या ना आए। हाँ, ये भी सही है। चलो देखते हैं, हियर वी गो। ये सही है। अरे वाह, म्यूजिक रिकॉर्ड माइक भी इतना बड़ा लगा रखा है। ICC men's T20 World Cup right on event. Bouncer right to the helmet, straight to the tent. Never giving up, fighting right to the end. One tip, gunny may straight to the pin. Catch drop, gunny may straight to the slip. Mic drop, karu main, girti hai wicketain. How's that? Listen up, kid. Don't get lost in the middle of the game. Your karapani and definitely witch. Your companion slow like Pentium 4. Kaise beta maroge six like Aatish Bazi. Killenge hum end tak haar nahi maani. Piche chhadte halaat hungami. Sadka te practice karke bhi main lakwami. Ye strength mat samjho weakness. Asi keh rahe hain na sab theek hai. Ye mushkilein aur rukawatein hataye hum deewarein girayein. पक्के इरादे बनाए आप कभी सामने मैदान में तो आए मेहमान नवाजी पे जो हां को ट्राई थी कदे मौका दे दियो तनो क्रिकेट खिडाइए सो वी जस्ट हिट हिम विद द रिदम एंड द साउंड हिट हिम विद अ विद अ बिट ऑफ एनर्जी अराउंड पिच मेरे पिंड कदे ओ चल मेरे गांव आजो बेटा साडे कोलो मत घबराओ जीतने या हारने की बात ही नहीं है फेम नहीं चाहिए ना रुपया आओ सारे मिलके ते नारे लाइए साडा होम ग्राउंड क्यों सी दुबई है सच तो यही है वी गॉट द बेस्ट ग्राउंड इन द वर्ल्ड वी गॉट द बेस्ट क्राउड इन द वर्ल्ड मैच करो इनका जज्बा फैंस लाइक दीस वी डोंट लाइक टू बैक डाउन दे वांट टू सी द रेडियस ऑफ द स्टेडियम बैक बेहतरीन बनाया यार ये सॉन्ग। तो बेसिकली ये सॉन्ग इन्होंने जो है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में सपोर्ट करने के लिए बनाया, उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए बनाया है। खेलो जीतो या हारो तो अड्डी जगह हमारे दिल विच है। ये तरह की लाइंस काफ़ी अच्छी थी, और साथ में वो भी डिस्कस बोला इन्होंने इसमें कि 2009 में जीते थे, अब 21 की तैयारी है। 21 की तैयारी है तो ये वाला वर्ल्ड कप में वाकई में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तैयारी की है, कुछ ज़्यादा ही तैयारी की है। और ऐसा लग रहा है कि भाई ये सॉन्ग जो है इनको पहले सुनाया गया होगा तो पाकिस्तान ज़्यादा और टीम जो है और ज़्यादा जोश में मोटिवेट हो गई होगी तो, और वो वाकई में इस बार बहुत अच्छा खेल रही है। मतलब अगर पाकिस्तान दो मैच और बचे, सेमीफाइनल और फाइनल, वो दोनों जीत गई ना तो पहली ऐसी टीम बन जाएगी जो T20 वर्ल्ड कप में बिना कोई मैच हारे फाइनल जीती है। बहुत ही कमाल। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये मैजिक कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है मानना पड़ेगा दे कैन डू दैट। साथ में आतिफ असलम ने बहुत ज़बरदस्त इसको गाया है, साथ में फारिश शफी एंड तलाल कुरेशी भी थे। बहुत अच्छा लगा ओवरऑल ये सॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी एक मोटिवेटिंग सॉन्ग था।
और अच्छा लगा देखकर ओवरऑल। इस पर बात बनती है कि पाकिस्तान की जो फिलहाल में जो खेल आर्मी कह सकते हैं क्रिकेट में जो टीम 11 है वो बहुत कमाल काम कर रही है। एक्चुअली टीम 11 को कोई चेंज करने का सोच भी नहीं सकता, इतना बढ़िया कर रही है। जो टीम 11 अभी खेल ही रही है वही, उस टीम को चेंज ही करने की 13वां 12वां बंदा भी खिला लो ऐसा मन भी नहीं कर रहा होगा किसी को। नहीं, सभी ऐसे इतना अच्छा खेल रहे हैं, बहुत कमाल खेल रही है। और वही चीज़ इस गाने में इन्होंने दिया और वो और ज़्यादा सुन, आई थिंक उनके ड्रेसिंग रूम में यही सॉन्ग चल रहा होगा शायद तो और ज़्यादा अरे यार अरे थोड़ा और ऐसा वैसे काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में बादशाह को ट्रोल कर रहे हैं कि इंडियन बंदा ही है भारत सिंह। इन्होंने ट्वीट कॉमेंट किया है, दिस रैप सॉन्ग वॉज वे बेटर देन बादशाह एंड ऑफ कोर्स आई डोंट नीड वर्ड्स टू डिस्क्राइब आतिफ असलम। ऑब्वियसली यार आतिफ असलम फ्रॉम इंडिया और बादशाह एंड टोनी कक्कर प्लस अदर इन सिंगर्स डाइड आफ्टर लिसनिंग दिस फैंटास्टिक। टोनी कक्कर बादशाह को बोल सकते लेकिन अदर सिंगर्स बहुत सारे अच्छे बहुत सारे अच्छे हैं ऐसा नहीं बोल सकते। और बहुत सारे रैपर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रैप करते हैं। वैसे गाना सच में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। कभी कभी हम बोलते हैं इसकी पर्सनली अच्छा लगा है, आज भाई बहुत कभी कभी बोलते हैं हम कि पर्सनली अच्छा लगा है सच में क्योंकि सच में पर्सनली ये गाना कुछ अच्छा लगा है। खास करके आतिफ असलम वाला जो टोन आया था ना तब तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा वो फील आता है ना कि इंसान जाग जाता है। इन्होंने हैशटैग यूज़ किया रियल मैजिक, तो सच में मैजिक यहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ने करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे फारिस शाफी एंड क्या नाम का कुरैशी तलाल कुरैशी फर्स्ट टाइम सुना इनको, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने जो कॉम्बिनेशन था दोनों का डियो वो बहुत कमाल का। साथ में ग्वादर स्टेडियम का जो इन्होंने शूट किया वो भी बहुत प्यारा लगा देखकर, वो हमने देखा हुआ है, हमने एक वीडियो में देखा है उसको अच्छे से। ग्वादर स्टेडियम पर हमने रिएक्शन किया लेकिन उन्होंने उसको डेकोरेट किया जिस तरह से, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा लगा देखकर। बिल्कुल। तो आप बताओ आपको कैसा लगा हमारे रिएक्शन, अच्छा लगे तो करो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।